तभी सीनियर खिलाड़ियों ने कहा था तुम क्रिकेट से ब्रेक ले लो, ऐसा हो गया था ये दिग्गज खिलाड़ी। आज वर्ल्ड क्रिकेट में हो रही चर्चा। खामोश था इस दिग्गज खिलाड़ी का बल्ला, तो लोगों ने किया था जमकर कमेंट, तुमसे ना हो पाएगा। फिर कर ली इस खिलाड़ी ने जिद। अपनी जिद से इस भारत के दिग्गज खिलाड़ी ने पूरी दुनिया को मनवाया लोहा। क्रिकेट की दुनिया में कहा जाता है किंग। आईपीएल के दौरान अचानक पूरी दुनिया में दोबारा छा गया क्रिकेट की दुनिया का किंग। फिर होने लगी है वर्ल्ड क्रिकेट में चर्चा। एक दौर था भारत के इस दिग्गज खिलाड़ी को क्रिकेट की दुनिया का किंग कहा जा रहा था, लेकिन कुछ दिनों के लिए इस दिग्गज खिलाड़ी का बल्ला खामोश हो गया। फिर क्या था, सीनियर खिलाड़ियों से लेकर क्रिकेट प्रेमी हर कोई इस दिग्गज खिलाड़ी को कोसने लगा। कुछ लोगों ने यहां तक कह दिया कि अब तुमसे ना हो पाएगा बेटा, अब कुछ दिनों के लिए क्रिकेट से ब्रेक ले लो। इतना सब सुनने के बावजूद इस दिग्गज खिलाड़ी ने किसी की भी एक नहीं सुनी और अपनी जिद को आगे बढ़ाता चला गया। और फिर अचानक से उस दिग्गज खिलाड़ी ने वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी वो जगह बना ली जिसका वो हकदार था। हम आपको इस रिपोर्ट में इस दिग्गज खिलाड़ी का नाम बताएंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे और कहेंगे इस दिग्गज खिलाड़ी को क्यों कोसा गया, जबकि यह दिग्गज खिलाड़ी आज भी क्रिकेट की दुनिया का किंग कहा जाता है। लेकिन कुछ दिनों के लिए दिग्गज खिलाड़ी मैदान पर अपनी वो काबिलियत नहीं दिखा पा रहा था जिसके लिए जाना और पहचाना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किंग कोहली की, जिन्होंने एक बार फिर भारत का डंका पूरी दुनिया में बजा दिया और वर्ल्ड क्रिकेट में नंबर वन खिलाड़ी बन गए। इस रिपोर्ट में हम आपको विराट कोहली के नंबर वन बनने की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि कब और कहां विराट कोहली का बल्ला खामोश हुआ जिसकी वजह से इनको ये सब सुनना पड़ा था। बता दें कि 2019 से 2022 तक विराट कोहली के लिए कुछ भी अच्छा नहीं जा रहा था। टेस्ट, वनडे और T20 इंटरनेशनल तीनों ही फॉर्मेट में उनका बल्ला खामोश रहा था। कई पूर्व क्रिकेटर्स ने उन्हें क्रिकेट से ब्रेक लेने की सलाह तक दे दी थी। हालांकि विराट हार मानने वालों में से नहीं है, वो पहले भी कई बार इसका सबूत दे चुके हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। 2022 से एक बार फिर विश्व क्रिकेट में किंग का डंका बजा। यहां तक हर बड़े इवेंट में वो टॉप पर रहे। 2022 में विराट कोहली के आंकड़े बेहद शानदार रहे। टेस्ट, वनडे और T20 तीनों ही फॉर्मेट में उनके बल्ले ने आग उगली। इस दौरान विराट ने 2022 एशिया कप में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए। वहीं वो 2022 T20 वर्ल्ड कप में भी सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। इसके अलावा 2023 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी कोहली सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज रहे। साथ ही आईपीएल 2023 में भी वो धमाकेदार प्रदर्शन कर रहे हैं। आईपीएल 2023 में किंग कोहली अपने पुराने अंदाज में नजर आ रहे हैं। इस सीजन में अब तक उनके बल्ले से ढेर सारे रन निकले। वो आईपीएल 2023 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं। आईपीएल 2023 में किंग कोहली अब तक 5 अर्धशतक लगा चुके हैं। विराट कोहली आईपीएल 2023 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं। इस सीजन के 8 मैचों में विराट ने 47.57 की औसत से और 142.31 के स्ट्राइक रेट से 333 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 31 चौके और 11 छक्के निकले। गौरतलब है कि 2019 से विराट कोहली के बल्ले से इंटरनेशनल क्रिकेट में शतक नहीं आया था, जिसे लेकर उनकी काफी आलोचना हुई थी। हालांकि 2022 और 2023 में उन्होंने अपने आलोचकों को मुंहतोड़ जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने वनडे, T20, इंटरनेशनल और टेस्ट तीनों ही फॉर्मेट में शतक जड़ा।